हेलो मेरे दोस्तों, चमन की कंपनी के एचआर से ईमेल आया है। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया है, उसका प्रूफ सबमिट करना है। अब टैक्स सेविंग का डिक्लेरेशन तो कर दिया था, लेकिन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में कोई निवेश किया नहीं अब तक। आई एम श्योर कई सैलराइड लोगों की यही दुविधा होगी इस समय चमन की तरह। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करूंगा टैक्स सेविंग करके भी करोड़पति बनने का सीक्रेट। आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूँ भावन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस एंड अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। इनकम टैक्स सेव करना ये सबसे आखिरी ऑप्शन होता है सैलराइड एम्प्लॉइज के दिमाग में, जबकि ये सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय। और जब साल के अंत में एचआर से ईमेल आता है, तो जस्ट बिकॉज एक काम निपटाना है ये सोच के बिना किसी प्लानिंग के कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जो शायद आपके लिए लेना जरूरी नहीं था। टैक्स सेविंग को साइडलाइन करना ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म। लेट्स लुक एट वन शॉर्ट स्टोरी टू अंडरस्टैंड दिस। चमन और रमन दोनों ऑफिस फ्रेंड्स है। चमन के पिताजी का दोस्त कई सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है, और साल के आखिरी महीनों में अपने आप को टैक्स प्लानर बता के तरह तरह की पॉलिसीज बेचता है टैक्स सेविंग के नाम पे, खास करके उन इग्नोरेंट लोगों को जिन्होंने टैक्स प्लानिंग की ही नहीं पूरे साल भर, एज इन्हें पता है कि अब जल्दबाजी में कोई भी पॉलिसी टैक्स सेविंग के नाम पे इन्हें बेची जा सकती है। अब चमन ने पिताजी के दोस्त के कहने पे खरीदी पॉलिसी, जहां टैक्स प्लानर बताने वाले एजेंट अंकल की कमीशन CFP की फी से ज्यादा बनती थी। टैक्स प्लानर मेरा मतलब है सॉरी एजेंट अंकल ने चमन से कहा कि पॉलिसी में इंश्योरेंस भी मिलता है और इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स सेविंग भी हो जाती है। ये सुनकर चमन काफी खुश हुआ, और वहां रमन जो समझदार था और फ्री एडवाइस लेने में नहीं मानता था, उसने CFP के साथ बैठकर अपने गोल्स प्लान किए टैक्स सेविंग करने के साथ साथ। CFP ने रमन को ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के बारे में बताया, जिसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल होता है, और कुछ ऐसे ELSS फंड्स बताए जिनका रिटर्न्स पिछले कुछ सालों में 15-18% तक रहा है। और CFP ने रमन को समझाया कि क्यों इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स हमेशा अलग अलग होने चाहिए। अब अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे ये मान के चले कि रमन साल का सारा 1.5 लाख ELSS फंड में ही SIP करता है, यानी 1.5 लाख डिवाइड बाय 12 जो बनते हैं 12,500 प्रति महीने, तो 30 बरस बाद उसके पास होंगे 4,36,00,000 रुपीस 12% रिटर्न के अनुसार, जो उसकी रिटायरमेंट के लिए काम आ सकते हैं, प्लस टैक्स भी सेव हो जाएगी। और यही पैसे अगर वो PPF में डालता तो उसके पास होते सिर्फ 1,68,00,000। और ELSS के विड्रॉल के समय टैक्स पे करके भी रमन के पास होंगे 3,60,00,000 रुपीस अप्रोक्सीमेटली, जो PPF से कहीं गुना ज्यादा है। चमन को बेची गई पॉलिसी के चार्जेस ELSS के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थे, जिसके कारण उसके रिटर्न्स काफी कम हो गए, लेकिन एजेंट अंकल की कमीशन कम नहीं हुई। पॉलिसी में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जबकि ELSS फंड के NAV हर रोज उपलब्ध किए जाते हैं। अब हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ELSS होने के कारण फंड मैनेजर ग्रोथ माइंडसेट से काम करके ELSS की प्रॉफिट्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। पॉलिसी ये बोल के बेची जाती है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट साथ मिलेगा, लेकिन पॉलिसी के साथ मिलने वाला इंश्योरेंस सफिशिएंट नहीं होता और इंश्योरेंस को अलग से प्लान करवाना जरूरी है। पॉलिसी में एक लॉक इन पीरियड होता है जहां इन्वेस्टमेंट्स बीच में रोकी नहीं जा सकती, ये पता चलने पर भी कि पॉलिसी सही नहीं है आपके लिए। सो फ्रेंड्स, रमन की तरह टैक्स प्लानिंग करके वेल्थ अचीव करना है, या चमन की तरह किसी अंकल, रिश्तेदार या पड़ोसी से पॉलिसी खरीदनी है, ये डिसीजन आपको लेना है। आई होप कि इस वीडियो से कुछ सीखने मिला आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में, तो मोटिवेट कीजिए मुझे इस वीडियो को लाइक करके, सो मैं और भी ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग वाली वीडियोस बना सकूं। शेयर कीजिए ये वीडियो व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सो वो भी अपना टैक्स प्लानिंग सही से कर सके। और फाइनली, आपने ये वीडियो
यहाँ तक देखा है तो आपने अपना कीमती समय मुझ में निवेश किया है, जिसके लिए मैं आपको थैंक यू जरूर कहना चाहूंगा।